के बढ़ते प्रकोप को काबू में लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 मई से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया, लेकिन शहर में वैक्सीन की कमी के बीच लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच बीसीएन न्यूज की टीम ने इमामवाड़ा लसीकरण केंद्र का जायजा लिया, जहां सुबह 9 बजे से लोग वैक्सीन के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन वहाँ वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन देर से शुरू हुआ। आज 1 मई से पूरे राज्य में 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को पूर्ण तरह से टीका लगाने का अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है, और उसके बाद महाराष्ट्र में भी यही शुरू होने की बात कही जा रही थी। उसके बावजूद आज 1 तारीख है और आज आप देख सक रहे हैं हम आइसोलेशन विभाग में मनपा का जो लसीकरण केंद्र है वहाँ पर खड़े हैं, मौजूद है। यहाँ पर सब अपना दूसरा डोज लगाने आए हैं और लसीकरण केंद्र बंद नज़र आ रहा है, और आप यहाँ पूरी भीड़ देख रहे हैं। ये दूसरा जो सीनियर सिटीज़न थे 45 के ऊपर जो एज ग्रुप के हैं उनके लिए यहाँ पे लसीकरण अभियान शुरू किया गया था। इनके कई लोगों के सेकंड डोज थे और ये सुबह से आके यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में अपनी लाइन लगा के देख रहे हो आप। मगर अब तक इस सेंटर में लसीकरण शुरू नहीं हुआ है, और हमारे साथ यहाँ कुछ सीनियर सिटीजन हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आप कब आए हो? हम 8:30 बजे आए, अभी तक वैक्सीन का कुछ पता ही नहीं है। अब कब आती, कोई इसके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है कि भाई कब अभी आ रही नहीं आ रही। ये आपका पहला लसीकरण? नहीं, दूसरा, सेकंड डोज है। आपको क्या बताया गया था आज? आज कल आए थे हम, वापस गए। ये आज बोले 9 बजे से चालू होगा, तो हम 8:30 बजे आए, तो अभी तक कुछ ठिकाना ही नहीं है। 7 को 10 मिनट कम थे तो भाई बाबा। आप कहाँ से, कहाँ रहते हैं? यही नागपुर में रहता हूँ, और सवेरे 7 को 10 मिनट कम थे तब आया था, और कल भी मैं 3 बजे आया, 3:30 बजे कल वापस गया भैया। कितने घंटों से खड़े हो यहाँ पे? सवेरे 7 बजे से आया हूँ, सब 7 बजे से आया हूँ मैं बाबा, सवेरे 7 बजे से आया हूँ। और कल आके कुछ जानकारी मिल रही है यहाँ से? कुछ भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं। सवेरे 7 बजे से आने के बाद में कुछ भी नहीं मिल रहा, परेशान हो रहे लोग। जिस तरह के महानगर पालिका यहाँ पिछले 4 घंटे से यहाँ लोगों ने कतारें लगाई पड़ी है, यहाँ मनपा आइसोलेशन सेंटर आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से बंद नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ इतनी भीड़ नज़र आ रही है, ये भीड़ देख के भी ऐसा लग रहा है कि कोरोना संक्रमण कहीं ना कहीं इस भीड़ के कारण बढ़ती पे नज़र आ रहा है। जहाँ पूरे शहर में लॉकडाउन, महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा है, और यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर की अगर आप हालत देखें तो यहाँ मनपा का कोई कर्मचारी नहीं, इनको डिसिप्लिन देने वाला कोई नहीं। यहाँ पे पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है। यहाँ सुबह 7 बजे से लोग आए हैं, अब यहाँ 10:30 बज चुके हैं, मगर यहाँ पे कोई भी मनपा का आला अधिकारी या फिर इनको गाइड करने वाला कि लस कब आएंगी ये बताने वाला यहाँ कोई मौजूद नहीं है। हम अभी यहाँ आइसोलेशन सेंटर में मौजूद है। बाहर आपने देखा कि किस तरह से लोग लाइन लगा के 7 बजे से बैठे हैं। इन्हें बताया गया था कि सुबह 9 बजे से यहाँ लसीकरण शुरू होगा, मगर अब तक लसीकरण शुरू हुआ नहीं है। यहाँ के कर्मचारी अब तक उनको कुछ बता ही नहीं रहे। हाँ, वैक्सीन का स्टॉक हमको आता है कॉरपोरेशन के स्टोर से आता है। अभी मैंने बात की तो अभी 12 बजे तक के आने वाला है। हमने पहले ही उनको बोल दिया था, जब हम आते हैं एंट्री करते हैं तब उनको बोल देते हैं कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी 45 से अबो तो शुरू ही है, आज से 18 to 44 तक के शुरू होने वाले हैं। उनका एक टाइम लिमिट दिया है, उनका 2 से 5 बजे का टाइम लिमिट दिया है। दिन भर का जो प्रेशर लसीकरण इस केंद्र से हो गए थे, इसका तो अभी लिमिटेशन नहीं था। 750-800 तक के हमने किए हैं इसके पहले, जैसे जैसे वायल रहती है अवेलेबल, जितना डोजेस हम मैक्सिमम दे सकते हैं उतना डोजेस हम देते हैं। हाँ, तो इसके पहले सेकेंड डोज वालों का तो हम प्रेफरेंस उनको दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर अभी जो ओल्ड एज लोग हैं वो खड़े रहते हैं तो उनको भी पहले डोज के लिए आते हैं, तो उनको भी फिर वो इतनी देर खड़े रहते हैं तो उनको भी हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, पर सेकेंड डोज को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि उनका कंप्लीट होना चाहिए ना वो डोज।
बार बार कयास लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि उनके पास लस्सी का पुरोटा नहीं है, उसके बावजूद महाराष्ट्र में 1 तारीख को 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को लस्सीकरण शुरू किया गया। यहाँ पे कुछ लोग देख रहे हैं, या आप लोग देख रहे हैं कि सब जो कर्मचारी है वो यहाँ के अधिकारियों को बोल रहे हैं कि लस कब आएगी। पाँच बजे के बाद में मेरा नंबर आया, वहाँ वैक्सीन खत्म हो गई। बैठे इधर में यानी उपकार कर रहे हैं अपने पर, ये उपकार कर रहे हैं ये लोग। तुम्हारा काम है साला कि एक दिन पहले की व्यवस्था करना चाहिए, एक दिन पहले व्यवस्था करना चाहिए लोग ने। ऐसा कैसा नहीं करते व्यवस्था? अभी कल भी वैक्सीन नहीं आएंगे तो ये प्रॉब्लम है। कल संडे है, कल इसी ज्यादा करती रहेंगी। लोग अपनी ड्यूटी छोड़ के आते हैं, कोई प्राइवेट में है, कोई नौकरी में है, कोई है। अभी तक बंदा यहाँ से स्टोर गया, वहाँ पे स्टोर में अवेलेबल नहीं है, अभी तक रहा देखा उसने। अभी वहाँ से इंटीमेशन उसको मिला कि भाई वैक्सीन, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं नहीं। उन्होंने वहाँ से मुझे फ़ोन आया मैडम का कि भाई वैक्सीन नहीं मिला है, जो लोग खड़े हैं उनको बता दो कि वैक्सीन नहीं मिली है तो आज नहीं होगा, वैक्सीनेशन का कार्य नहीं होगा। जिस तरह से यहाँ के अधिकारी बता रहे हैं, इनको भी अब तक पता नहीं है कि वैक्सीनेशन कब होगा, और बाहर लोग जो जिस तरह से भीड़ लगाए बैठे, उन्हें भी अब तक पता नहीं कि वैक्सीन कितने बजे और कब आएंगे और क्या लगेगा। जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में अब भी वैक्सीनेशन की कमी है, और आज जो अभियान 18 साल के ऊपर शुरू हो गया था वो कितना सफल होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। जब नागपुर शहर को जितनी लोकसंख्या है और जितने सेंटर्स बनाए, उस सेंटर में जब पूरे लसीकरण डोज यहाँ आएंगे उसके बाद ही लस लगेंगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ इमरान शेख, बीसीएन न्यूज़, नागपुर।